Bismillahir Rahmanir Rahim. Here is Mubin Nas. I'm from MK Preparations, and today we're going to discuss about phylum Arthropoda. This topic is very, very much important, और इसको different students जो हैं वो अपने exams की तैयारी के लिए use कर सकते हैं, जैसे कि FSC के students, pre-medical के students, जो FSC pre-medical करते हैं and now they want to secure their admission in any medical university for the MBBS, for the BDS, pharmacy और DPT. इसके अलावा allied health sciences जो हैं वो बहुत सारी हैं, as well as वे वो MD CAT का टेस्ट देना चाहते हैं, NUMS का टेस्ट देना चाहते हैं या AFNS का टेस्ट देना चाहते हैं. तो हम सब के लिए, इफ दे वॉन्ट टू प्रिपेयर अ फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो अगर आप ये वीडियो देख लें सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स, एज वेल एज जो कैंडिडेट्स पीपीएससी के एग्जाम्स या फिर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC और खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन KPPSC, बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सो दैट दे कैन सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब. सो उसके लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस टॉपिक में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट इंक्लूड्स द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड फॉर्म एंड फंक्शन. और इसमें जितना भी मटेरियल जो ऐड किया गया है इन स्लाइड्स में, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स बुक्स लाइक द FSC बायोलॉजी एंड देन फेडरल बायोलॉजी, जोलॉजी मिलर एंड हार्डले 5th और 10th एडिशन से इसमें मटेरियल ऐड किया गया है, एंड हिकमैन जोलॉजी, कैम्पबेल बायोलॉजी एंड रावन बायोलॉजी, इन तमाम बुक्स से मटेरियल कलेक्ट किया गया है. सो FSC के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स, एज वेल एज जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. ये कंसाइज वीडियो है और इसमें एंड पे जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं फॉर द एक्सपेक्टेड एग्जाम्स, एज वेल एज इसमें बिल्कुल लास्ट पे जो है वो PPSC जोलॉजी के जो पास पेपर के क्वेश्चन हैं वो एडअप किए गए हैं, जो के पास पेपर्स फ्रॉम 2001 टू 2022 में आए हुए हैं. ठीक है, और ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट पे जो है देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द डिफरेंट कंपेरेटिव एग्जाम्स. ठीक है, और स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन के और करेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, फिर इसके आर्थ्रोपोडा को फर्दर सब फाइलम्स में, फिर उसको क्लासेस में, फिर उसको ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है. सो यू नीड टू फोकस ऑन द क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द क्लासेस, और उन क्लासेस में जो एग्जाम्पल्स आती हैं हमारे पास आर्थ्रोपोड्स की, एज वेल एज उनके जो ऑर्डर्स हैं, हर ऑर्डर में एग्जाम्पल जो है वो आर्थ्रोपोड की है, तो यू नीड टू फोकस ऑन दीज पॉइंट. ओके, दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रॉपरली. फर्स्ट ऑफ ऑल विल एनलिस्ट द कंटेंट्स, तो जो पॉइंट्स मीन्स टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इट इंक्लूड्स द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, मेटामेरिज्म एंड स्टेगमेटाइजेशन, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, इक्टाइसिस और मोल्टिंग, हीमोसील, मेटामोर्फोसिस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमोर्फा एंड कैलिसिरेटा, एज वेल एज क्रस्टेशिया, हेक्सापोडा एंड मायरियापोडा. और इसमें जो है वो तीन सब फाइलम्स को डिस्कस किया गया है. आज हम तीन जो सब फाइलम्स है इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे, ट्राइलोबाइटोमोर्फा, कैलिसिरेटा एंड क्रस्टेशिया. देन हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम हेक्सापोडा और मायरियापोडा को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PPSC जोलॉजी पास पेपर क्वेश्चन जो है वो ऐड किए गए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव अ लुक ऑन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्थ्रोपोड्स. द फर्स्ट वन इज मेटामेरिक बॉडी विथ सेगमेंटाइजेशन, यानी इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और हर सेगमेंट की फंक्शन के लिहाज से स्पेसिफिकेशन है, स्पेशलिटी है. ठीक है, जिसको हम टेगमेटाइजेशन कहते हैं.
देन दे आर हैविंग एक्सोस्केलेटन, और जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है। देन पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस, इनकी बॉडी में क्योंकि सेगमेंट्स हैं और सेगमेंट्स के लिहाज से ही एक सेगमेंट में एक पेयर प्रेजेंट होता है अपेंडेजेस का फॉर द लोकोमोशन। देन ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय द एक्डाइसिस, यानी इनमें जो ग्रोथ है क्योंकि इनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है तो एक्सोस्केलेटन की वजह से ग्रोथ में रुकावट पैदा होती है। सो दे नीड टू शेड देयर एक्सोस्केलेटन, उनको बार बार अपने एक्सोस्केलेटन को न्यू वन से रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। इस प्रोसेस को एक डायसिस कहा जाता है। एंड देन मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस जो है वो शेप का चेंज होना, यानी लार्वा से एडल्ट का बनना, ठीक है। तो ये कंडीशन इनमें एक्सिस्ट करती है आर्थ्रोपोड्स में। आफ्टर दैट सिलोम इज रिड्यूस्ड टू द कैविटीज अराउंड द गोनेड्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो इनकी सिलोम है उसको हीमोसील कहा जाता है, ठीक है। एंड देन दे आर हैविंग द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो ब्लड है वो टिश्यू स्पेसिस में रिलीज कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज द हीमोसील। नाउ द एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्थ्रोपोड सक्सेस, यानी आर्थ्रोपोड की जमीन पे जो सक्सेस है वो किस वजह से है। सो द फर्स्ट वन इज ड्यू टू देयर एक्सोस्केलेटन, जो कि इनको बचा रहा है एनवायरमेंटल कंडीशन से। एंड देन द हीमोसील, सो दैट दे कैन मेंटेन द फ्लो ऑफ द सर्कुलेटरी फ्लूइड। एंड आफ्टर दैट द मेटामोर्फोसिस, ठीक है। पहले जो है ये लार्वा बनता है, एंड आफ्टर दैट लार्वा की कन्वर्जन हो रही होती है एडल्ट्स में, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेटामेरिज्म एंड टैग्मेटाइजेशन। तो मेटामेरिज्म जो है इट इज द सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और ये एक्सटर्नली हम इसको बाकायदगी से देख सकते हैं फ्रॉम द आर्थ्रोपोड बॉडी। एंड बॉडी जो है आर्थ्रोपोड्स की, इट इज कम्पोज ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स, और हर सेगमेंट में एक पेयर होता है अपेंडेजेस का। नाउ इंटरनली बॉडी जो है वो डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। सेप्टा कोई भी प्रेजेंट नहीं होता जो बॉडी को इंटरनली डिवाइड कर सके। एंड मेटामेरिकली अरेंज्ड हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट्स हैं जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज इसकी लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। एंड देन बॉडी की जो स्पेशलाइजेशन है, जो सेगमेंट्स की स्पेशलाइजेशन है विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शंस, उसको कहा जाता है टैग्मेटाइजेशन। एंड बॉडी रीजन्स आर कॉल्ड द टैग्मेटा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। तो टैग्मेटा, ईच टैग्मेटा इज स्पेशलाइज्ड फॉर फीडिंग, सेंसरी रिसेप्शन, लोकोमोशन एंड विजरल फंक्शंस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ओके, तो एक्सोस्केलेटन जो है ये पूरी बॉडी को कवर करता है, और इसका फंक्शन क्या है ये हम देखेंगे डिटेल में। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, आर्थ्रोपोड की बॉडी को। एंड देन दी एक्सोस्केलेटन जो है सरफेस इज इम्परमीएबल टू वाटर, यानी एक्सोस्केलेटन ने इनकी बॉडी को बाहर से कवर किया होता है, जिसकी वजह से जो इनकी बॉडी है एक्सटर्नली इट इज इम्परमीएबल टू वाटर, वाटर इनमें से पास नहीं हो सकता। एंड देन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एक्सटर्नली। एंड देन लास्ट वन इज अ सिस्टम ऑफ द लिवर्स फॉर मसल अटैचमेंट एंड मूवमेंट, यानी जो बाहर से एक्सोस्केलेटन है वही मॉडिफाई हुआ होता है, और जिसकी हेल्प से कुछ रिजीज और बार लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनसे इंटरनली बॉडी के मसल अटैच होते हैं। सो सपोर्ट, प्रोटेक्शन, इम्परमीएबिलिटी ऑफ वाटर एंड मसल अटैचमेंट, दे आर ऑल फंक्शंस ऑफ द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। नाउ वी आर हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोस्केलेटन। तो अगर हम देखें, हमें डायग्राम में भी शो किया गया है, एक्सोस्केलेटन जो है फुल बॉडी को कवर करेगा। एंड इट इज नॉन लिविंग, एक्सोस्केलेटन एक नॉन लिविंग पार्ट होता है, और इसको एपिडर्मिस के सेल्स सिक्रीट करते हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम द हाइपोडर्मिस। सो ये जो है वो सिक्रीशन कर रहा है एक्सोस्केलेटन की। नाउ इट्स हैविंग द टू लेयर्स, द फर्स्ट वन इज द एपिक्यूटिकल, ठीक है। एक तो आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिक्यूटिकल, और ये लिपोप्रोटीन्स, पेप्सी लिपोप्रोटीन से मिलके बनी हुई है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो है वो एक्सोस्केलेटन को, आर्थ्रोपोड की बॉडी को एक्सटर्नली इम्परमीएबल टू वाटर बना देती है, एज वेल एज ये बैरियर बना देती है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह का अटैक नहीं होता इनकी बॉडी पे। एंड देन सेकेंड इज द प्रोक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल एक सेकेंड लेयर है, ठीक है। और ये प्रोक्यूटिकल प्रेजेंट होती है एपिक्यूटिकल से बिल्कुल नीचे, ठीक है। और इसकी जो कंपोजिशन है वो काइटिन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन से मिलके बनी हुई है प्रोक्यूटिकल। अब इसका फंक्शन क्या है जी, कि प्रोक्यूटिकल जो है इट हार्डन्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड द स्क्लेरोटाइजेशन,
एंड इम्प्रेगनेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका काम होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना एक्सटर्नली बॉडी को, और जो इसका प्रोसेस है हार्डनिंग प्रोसेस है उसको स्क्लेरोटाइजेशन कहा जाता है। हार्डनिंग में क्या होता है कि जो एक्सोस्केलेटन है उसमें मिनरल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, स्पेसिफिकली कैल्शियम कार्बोनेट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो डिपॉजिट हो जाता है एक्सोस्केलेटन में और एक्सोस्केलेटन हार्ड हो जाएगा। ठीक है, सो एक्सोस्केलेटन इज हैविंग टू लेयर्स, द एपिक्यूटिकल एंड द प्रोक्यूटिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर वन थिंग, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बेटे, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी टर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एपिक्यूटिकल है, प्रोक्यूटिकल है, एपिक्यूटिकल इज आउटर मोस्ट इसकी कंपोजिशन एंड प्रोक्यूटिकल इज इनर मोस्ट उसकी कंपोजिशन, उसका फंक्शन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर एग्जाम्स। नाउ अब हम कुछ मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। स्क्लेरोटाइजेशन जो है एक टैनिंग प्रोसेस है इन विच प्रोटीन लेयर्स आर केमिकली क्रॉस लिंक्ड विद वन एन अदर। ठीक है, तो ये हार्डनिंग प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन लेयर्स की क्रॉस लिंकिंग होती है और फिर उसमें जो है वो डिफरेंट मिनरल्स वगैरह डिपॉजिट हो रहे होते हैं ताकि जो एक्सोस्केलेटन है वो हार्ड हो सके। नाउ सम प्रोटीन्स गिव द एक्सोस्केलेटन रेजिलियंसी। नाउ वी आर हैविंग सम मॉडिफिकेशंस ऑफ द एक्सोस्केलेटन, क्योंकि एक्सोस्केलेटन जो है वो आर्थ्रोपोड की बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। बहुत से फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी जिनमें रुकावट पैदा हो सकती है इस एक्सोस्केलेटन की वजह से, बट दे हैव मॉडिफाइड देयर बॉडी टू ओवरकम दीज हिंड्रेंसेस। ओके, तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है इनमें, एक्सोस्केलेटन जो है वो मॉडिफाई होके इस तरीके से, ये एक्सोस्केलेटन है आप देख रहे हैं इसकी अंदर की तरफ फोल्डिंग हो रही है, तो इसकी जो है वो इनवेजिनेशन हो जाती है और ये कुछ रिजेस और बार लाइक स्ट्रक्चर्स बना देता है, और इन रिजेस और बार लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ हमारी बॉडी, इनकी जो आर्थ्रोपोड की बॉडी है उनके मसल्स अटैच होते हैं। ठीक है, ताकि इनकी मूवमेंट हो सके। देन इन्हीं की मॉडिफिकेशन से, इस एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन से ही जॉइंट्स भी बनते हैं इनमें, और जो जॉइंट्स वाला रीजन है वहां पे एक थिन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ओके, तो जॉइंट वाले रीजन पे थिन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एज यू कैन सी हियर द थिनर आर्टिकुलर मेम्ब्रेन एट द रीजन ऑफ द जॉइंट, ताकि इनके जो जॉइंट्स हैं वो इजिली मूव करवा सके इनकी बॉडी को। इसके अलावा इनमें जो है वो कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं। अगर हम अपनी बॉडी से इसको कंपेयर करें तो हमारी बॉडी में तो जनरल बॉडी सर्फेस पे सारे रिसेप्टर्स हैं, बट दे आर नॉट हैविंग द स्किन, इनके बाहर एक्सोस्केलेटन है, और उसी की ही मॉडिफिकेशन से इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि सेंसिला है, ब्रिसल्स हैं और लेंजेस हैं। ठीक है, तो ये चार मॉडिफिकेशंस हैं इनके एक्सोस्केलेटन की फॉर द मसलर अटैचमेंट, रिजिज और बार्स हैं, फिर इनमें जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स की मूवमेंट के लिए आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है, और कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के ऊपर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्डाइसिस और मोल्डिंग। तो एक्डाइसिस जो है ये क्या होता है, एक्डाइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ शेडिंग द एक्सोस्केलेटन। ठीक है, पीरियोडिकली शेडिंग द एक्सोस्केलेटन, कि वक्फे वक्फे से अपना एक्सोस्केलेटन जो है उसको गिराना और उसको नए वाले से रिप्लेस करना। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है इंसेक्ट्स को, क्योंकि जो है वो एक्सोस्केलेटन इनकी ग्रोथ में रुकावट पैदा करता है। अब हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे, इसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होता है जी, कि एंजाइम्स जो हाइपोडर्मिस है, बिल्कुल लोअर हाइपोडर्मिस, उसके एंजाइम्स क्या करते हैं, ये हमें पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। अगेन हाइपोडर्मिस है, प्रोक्यूटिकल है, एपिक्यूटिकल है। पहले हाइपोडर्मिस में कुछ ग्लैंड सेल्स होते हैं जो एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, और वो जो प्रोक्यूटिकल है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर यहीं से ही कुछ जो है वो सिक्रीशंस होती हैं और वो न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल की सिंथेसिस स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, जैसे बी में आप देख सकते हैं न्यू एपिक्यूटिकल जो है उसकी सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो द मोल्टिंग जेल इज इन दी फॉर्म सेपरेटिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन। अब क्या होगा जब ये प्रोक्यूटिकल बिल्कुल यहाँ से खत्म हो जाएगी, तो एपिक्यूटिकल और हाइपोडर्मिस के दरमियान एक स्पेस रह जाती है, इसकी वजह से पूरा एक्सोस्केलेटन जो है उसकी शेडिंग हो जाएगी, उसकी सेपरेटिंग यानी वो टूट जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से टूट के नीचे गिर जाएगा, और नीचे से क्योंकि न्यू स्केलेटन बन रहा है तो वो न्यू स्केलेटन ये है शेडिंग द एपिक्यूटिकल, और नीचे जो है वो मुकम्मल तौर पे न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल बन रही है अगेन, तो ये उसकी जगह उसको रिप्लेस कर लेगी। ठीक है, एंड एट दी एंड फिर उसकी हार्डनिंग होगी बाय द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्लेरोटाइजेशन। नाउ हीमोसील,
तो हिमोसिल क्या है जी, ये बॉडी कैविटी है आर्थ्रोपोड्स की दैट इज फिल्ड विद द ब्लड, और हिमोसिल का जो एम्ब्रियोनिक ओरिजन है वो है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील भी एक कैविटी है जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट बनती है, उसी से ही हिमोसिल बनी है, ठीक है। और इट रिस्ट्रिक्ट्स द सिलोम टू गोनेड्स एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और इंटरनल कैविटी है फॉर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, यानी आर्थ्रोपोड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल ओपन होता है, और इनकी हीमोसील में ही मुकम्मल तौर पे जो इनका सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। नाउ द मेटामॉर्फोसिस, सो मेटामॉर्फोसिस इज द चेंज ऑफ द शेप और स्ट्रक्चर फ्रॉम वन डेवलपमेंटल स्टेज टू एन अदर। तो इनमें मेटामॉर्फोसिस का फिनोमिना होता है, लार्वा है, लार्वा से प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्जन होती है। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस का फिनोमिना है ये आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव डन विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्थ्रोपोड्स एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। सबसे पहले एक मैंने एक छोटा सा चार्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया है। फाइलम आर्थ्रोपोडा को पहले तो पांच सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमोर्फा है, कैलीसीरेटा है, ठीक है, और मीरोस्टोमेटा है, एंड देन द सब फाइलम क्रस्टेशिया, एंड देन द लास्ट वन इज द सब फाइलम यूनिरेमिया। तो ये पांच सब फाइलम्स हैं हमारे पास, ठीक है, और 1, 2, 3, 4 एंड द वन इज मायरियापोडा एंड हेक्सापोडा, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। तो पांच सब फाइलम्स हैं हमारे पास, ठीक है, और इन सब फाइलम्स को फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि सब फाइलम कैलीसेरेटा जो है इट इज डिवाइडेड इनटू दी थ्री क्लासेस, मीरोस्टोमेटा, अरेक्निडा, पिक्नोगोनिडा, ठीक है, और क्रस्टेशियन को भी फर्दर, और फिर इन सब क्लासेस के फर्दर ऑर्डर्स भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। सब फाइलम क्रस्टेशिया जो है इट इज डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग क्लासेस, जैसे रेमिपीडिया, सिफेलोकैरिडा, ब्रैंकियोपोडा, मेलाकोस्ट्रेका, कोपोडा, सीरीपीडिया, और इन सब क्लासेस के फर्दर ऑर्डर्स हैं। सो वी नीड टू फोकस ऑन द ऑर्डर्स एंड द स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ दैट ऑर्डर्स, ओके। तो अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फाइव सब फाइलम्स। द फर्स्ट वन इज द ट्राइलोबाइटोमोर्फा, एंड देन इज द कैलीसेरेटा, एंड देन इज द क्रस्टेशिया, देन इज द हेक्सापोडा, एंड देन द मायरियापोडा, ओके। ये जो सब फाइलम यूनिरेमिया बताया गया है इसमें ही फर्दर ये दो सब फाइलम्स हैं, हेक्सापोडा और मायरियापोडा। तो टोटल वी आर हैविंग द फाइव सब फाइलम्स एंड विल डिस्कस अबाउट द थ्री। फर्स्ट थ्री जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे, एंड देन मायरियापोडा और हेक्सापोडा को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ओके। सो द सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमोर्फा, इसमें जो एग्जाम्पल है हमारे पास आर्थ्रोपोड की वो है ट्राइलोबाइट। तो सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमोर्फा, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक्सटिंक्ट हैं, ठीक है, यानी ना पैदा हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं, एंड दे लिव्ड अबाउट 600 to 345 मिलियन ईयर्स अगो, और ये मेराइन एनवायरमेंट में रहते थे आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। और इनमें अगर हम देखें तो ये एनिलिड्स के ऊपर फीडिंग करते हैं, यानी जो सेगमेंटेड और रिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर फीडिंग करते हैं, एंड मॉलस्क पे और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। देन हमारे पास इनकी बॉडी जो है वो ओवल है, फ्लैटेंड है, ठीक है, और बॉडी जो है वो तीन रीजन्स में डिवाइड हुई हुई है, हेड, थोरैक्स और पाइगिडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सेगमेंटेशन। एंड देन बॉडी में जो है वो टू लॉन्गिट्यूडिनल फुरोज हैं, एज यू कैन सी बॉडी में जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल फुरोज हैं डिवाइडेड इंटू थ्री लोब्स। उसके बाद जो है इनमें एक पेयर होता है एंटीना लाइक अपेंडेजेस का, एक ही पेयर इनमें कंपाउंड आइज का है। यू नीड टू फोकस ऑन दीज पॉइंट्स एज वेल, पेयर ऑफ अपेंडेजेस एंड पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, यानी नंबर ऑफ अपेंडेजेस, नंबर ऑफ आइज, नंबर ऑफ एंटीना, नंबर ऑफ लेग्स, इन सब में ये अपने सब क्लासेस में, सब ऑर्डर्स में इन चीजों पे फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुत दफा नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ एंटीना एंड आइज, इनके बारे में रिलेटेड टू द आर्थ्रोपोड बॉडी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इनमें जो है वो बॉडी के हर सेगमेंट में बायरेमस अपेंडेजेस, यानी बायरेमस अपेंडेजेस दैट आर हैविंग टू फेजेस, सो ये बायरेमस अपेंडेजेस भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड सब फाइलम कैलीसेरेटा। सो सब फाइलम कैलीसेरेटा में जो है
टू टेगमेटा है, ठीक है, और एक जो है वो एंटीरियर प्रोसोमा और एक पोस्टीरियर पोर्शन है जिसको ओपिस्थोमा कहा जाता है। प्रोसोमा में आईज प्रेजेंट है एंड देयर आर विदाउट एंटीना एंड इट बियर्स 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस एंड कैलिसरी पेडीपेल्प्स 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स इनमें प्रेजेंट है। कैलिसरी का फंक्शन होता है फीडिंग कराना, ये पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और पेडीपाल्प्स का जो है वो फंक्शन है कि ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं बट इसको फीडिंग लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है। ऑपिस्थोमा जो है ये डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो है ना वो फंक्शनैलिटी शो करता है। तो ये हमारे पास टू टेगमेटा है, बॉडी के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक तो है एंटीरियर वन जिसको हम प्रोसोमा कहते हैं और एक पोस्टीरियर वन है जिसको ऑपिस्थोमा कहा जाता है, ठीक है। और प्रोसोमा में हमने देख लिया है जी कि इसमें आईज प्रेजेंट होती हैं, एज यू कैन सी लेटरल आई मीडियन आई, बट इट इज विदाउट एंटीना, इसमें कोई एंटीना नहीं है। फिर इनमें 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस हैं, ठीक है, और पेडीपेल्प्स हैं एंड 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, इनमें ये 4 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं वॉकिंग लेग्स के। और कैलिसरी का फंक्शन क्या होता है, कैलिसरी का फंक्शन है फीडिंग करवाना और पेडीपेल्प्स का फंक्शन होता है लोकोमोशन रिप्रोडक्शन और फीडिंग, ठीक है। और लास्ट वाला जो पोर्शन है पोस्टीरियर पोर्शन उसको ऑपिस्थोमा कहा जाता है जो डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के तौर पे वर्क करेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स इसके प्रोसोमा, ओके, पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, कैलिस्ट्री, पेडीपेल्प्स का फंक्शन, ओपिस्थोमा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लासेस ऑफ द सब फाइलम कैलिसेरेटा। सो वी आर हैविंग 3 क्लासेस, द फर्स्ट वन इज द मीरोस्टोमेटा, सेकेंड वन इज द एरेक्निडा एंड द थर्ड वन इज द पिक्नोगोनिडा। अब वन बाय वन हम एक क्लास को लेंगे और उसकी फर्दर जो उसके ऑर्डर्स में या सब क्लासेस में डिविजन हुई है उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लास मीरोस्टोमेटा। इसमें जो स्पीशीज है इट इंक्लूड्स द जियंट वाटर स्कॉर्पियंस एंड द हॉर्स शू क्रैब, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास के साथ ही उसकी स्पीशीज लिखी हुई है मैंने, सो दैट आप उसको जो है वो मेमोराइज कर सकें इजीली। क्लास मीरोस्टोमेटा, क्लास मीरोस्टोमेटा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब मेराइन हैं, ठीक है। इनमें बुक लिंक्स बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू सब क्लासेस, द जाइफोसूरा एंड द यूरिप्टेरिडा। मीरोस्टोमेटा की फर्दर दो सब क्लासेस हैं हमारे पास, ठीक है, जाइफोसूरा एंड द यूरिप्टेरिडा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द सब क्लास यूरिप्टेरिडा। सो द सब क्लास यूरिप्टेरिडा इंक्लूड्स द जियंट वाटर स्कॉर्पियंस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जियंट वाटर स्कॉर्पियंस हैं और ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दे आर ऑल एक्सटिंक्ट। एंड देन द सब क्लास जाइफोसूरा, एंड द सब क्लास जाइफोसूरा इंक्लूड्स द हॉर्स शू क्रैब्स, और इसको हम लैमुलस बी कहते हैं, ठीक है। हॉर्स शू क्रैब, ओनली 4 स्पीशीज ऑफ हॉर्स शू क्रैब्स आर लिविंग टूडे, यानी आज जो है वो हमारे पास प्रेजेंट एज में सिर्फ इसकी 4 ही स्पीशीज जो है वो लिविंग है। एंड इनमें क्या होता है कि एक हार्ड कैरापेस है जो कि प्रोसोमा को कवर करेगा, प्रोसोमा एंटीरियर पार्ट है बॉडी का, ठीक है, और उसको एक कैरापेस, एक हार्ड कवरिंग ने कवर किया हुआ है, कैरापेस कवरिंग द प्रोसोमा। एंड इनमें कैरिस्ट्री, पेडीपेल्प्स एंड द फर्स्ट 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, दीज आर चिलेट, ठीक है। कैरिस्ट्री, पेडीपेल्प्स और फर्स्ट 3 लेयर्स हैं हमारे पास वॉकिंग लेग्स, फर्स्ट 3 पेयर्स हैं वॉकिंग लेग्स के और ये चिलेट हैं, ठीक है। एंड लास्ट पेयर ऑफ द अपेंडेजेस हैव लीफ लाइक प्लेट्स एज यू कैन सी हियर, और उसके बाद इनमें जो है वो एक लॉन्ग अनसेगमेंटेड रीजन होता है जिसको टेल्सन कहा जाता है, जैसे ये आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट पेयर ऑफ द ओपिस्थोमल अपेंडेजेस कवर द जेनिटल पोर्स एंड आर कॉल्ड दी जेनिटल ओपरकुला। तो ये हमारे पास जेनिटल ओपरकुलम है जो कवर करता है जेनिटल पोर को। एंड रिमेनिंग 5 पेयर्स जो हैं ओपिस्थोमल अपेंडेजेस के ये बुक गिल्स बनाने में इन्वॉल्व हैं। तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है हॉर्स शू क्रैब्स का, ठीक है। इसमें टेल्सन, बुक गिल्स, जेनिटल ओपरकुला और चिलेट जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं बॉडी के, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाउ दे आर डायशियस। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड क्लास। पहले हमने क्लास मीरोस्टोमेटा जो है वो डिटेल में स्टडी की, अब हम सेकेंड क्लास स्टडी करेंगे।
क्लास एरेक्निडा, ओके। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो हैं स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, हार्वेस्टमैन, टिक्स एंड माइट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दी क्लास एरेक्निडा, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को हम देख लेते हैं। ये टेरिस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है, जमीन पे रहते हैं, और इसकी 65,000 स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। इनमें जो है वो अडेप्टेशंस इंक्लूड एफिशिएंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं इनमें, ठीक है। फिर इंटरनल सरफेस है गैसियस एक्सचेंज के लिए, और अपेंडेजेस हैं इनमें फॉर द लोकोमोशन ऑन लैंड, एंड इनमें जो है वो एपिक्यूटिकल में वैक्सीज की डिपोजिशन हुई है, ठीक है। तो ये सब इनकी अडेप्टेशंस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं। अब हम वन बाय वन इनके फीचर्स स्टडी करेंगे, जो क्लास एरेक्निडा उसकी एग्जाम्पल्स और उनकी बॉडी के जो फॉर्म एंड फंक्शन यानी जो फीचर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द एग्जाम्स। फीडिंग के लिए ये मोस्टली कार्निवोरस हैं, ठीक है। इनमें पूरा जो गट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्टमक के बाद ये फोर गट का पार्ट है, फिर मिड गट आती है, उसके बाद हाइंड गट है। मिड गट में जो है वो एब्जॉर्प्शन का रोल परफॉर्म करती है, हाइंड गट जो है ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन का रोल परफॉर्म करती है। एक्सक्रीशन को अगर हम देखें तो इनमें एक्सक्रीशन के लिए दो तरह के ग्लैंड्स हो सकते हैं एरेक्निड्स में, कॉक्सल ग्लैंड्स या मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कॉक्सल ग्लैंड्स जो है ये पेयर्ड थिन वॉल्ड स्फेरिकल सैक्स हैं, ये हमें डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये दो येलो कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्फेरिकल सैक्स हैं, पेयर्ड की फॉर्म में होते हैं, और जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है इट इज अब्सॉर्ब अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द कॉक्सल ग्लैंड्स, ठीक है। एंड देन है हमारे पास मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं दीज आर ब्लाइंड एंडिंग डाइवर्टिकुला ऑफ द गट। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो फॉर गट और मिड गट का जो सेगमेंट होता है, जो पोर्शन होता है, कनेक्टेड रीजन होता है, वहीं से ही कुछ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं। तो ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं, और ये जो सराउंडिंग हीमोसील है वहां से जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करती हैं। सो एब्जॉर्ब द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड फिर उसको गट में रिलीज कर देंगी, और गट के साथ ही विद द डाइजेस्टिव वेस्ट जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो भी इनकी बॉडी से रिलीज हो जाता है। अब एक्सक्रीशन में जो चीज ये रिलीज करती है वो यूरिक एसिड है, ठीक है। ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो एरेक्निड्स की बॉडी से रिलीज आउट होता है। तो कॉक्सल ग्लैंड एंड मालपीजियन ट्यूब्यूल्स दे आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द एरेक्निड्स, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो गैस एक्सचेंज के इनमें बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। एरेक्निड्स की ये करेक्टरिस्टिक है, इनमें बुक लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। और बुक लंग्स क्या है जी, ये पेयर्ड इन्वेजिनेशंस हैं ऑफ द बॉडी वॉल, ठीक है। और ये लैमिली लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, लैमिली ऑफ द लंग एज यू कैन सी हियर। देन इनमें क्या होगा, कंप्लीट के एयर एंटर होती है बुक लंग्स में थ्रू द स्लिट लाइक ओपनिंग, एंड फिर लैमिली में जो एयर है वो सर्कुलेट करेगी, ठीक है। वहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा बिटवीन द ब्लड एंड आफ्टर दैट कुछ जो हमारे पास एरेक्निड्स हैं उनमें बुक लंग्स के अलावा ट्रैकिया भी प्रेजेंट होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो बुक लंग्स और ट्रैकिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। जो हमने एक्सक्रीशन में भी दो पॉइंट स्टडी किए हैं, दे माइट हैव कॉक्सल ग्लैंड्स, या इनमें जो है वो मालपीजन ट्यूब्यूल्स होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, बुक लंग्स हैं इनमें, ट्रैकिया के जरिए इनमें रेस्पिरेशन और गैस एक्सचेंज होता है। दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर हम देखें तो इनमें जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किसी किस्म की कोई ब्लड वेसल्स इनकी बॉडी में नहीं है। एक डॉर्सल वेसल होती है जो ब्लड को जो है वो पंप करती है हीमोसील में यानी बॉडी कैविटीज में। डॉर्सल साइड पर ब्लड वेसल जो है वो हीमोसील यानी बॉडी कैविटीज में ब्लड को जो है वो पंप करेगी, और फिर जो है वो हीमोसील में क्योंकि सारे ऑर्गन सस्पेंडेड होते हैं बॉडी के, वहां पे सारे ऑर्गन्स को जो है वो सप्लाई किया जाता है ब्लड, और यानी जो ब्लड होता है वो बात करता है सारे के सारे टिश्यूज को, और दोबारा फिर डॉर्सल एओर्टा में वापिस आ जाता है थ्रू द ओस्टिया। ओस्टिया जो ये इनकी ओपनिंग्स होती हैं, ओके। और इनमें जो ब्लड है उसमें एक डिजॉल्व रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसको हम हीमोसायनिन कहते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर जो है वो देता है इनके ब्लड को, और इनमें अमीबॉइड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं दैट एड इन द क्लॉटिंग एंड बॉडी डिफेंस। तो एरेक्निड्स या आर्थ्रोपोड्स में हीमोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, इनके ब्लड में, और उस ब्लड में अमीबॉइड सेल्स होते हैं जो क्लॉटिंग और बॉडी डिफेंस का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी वो फंक्शन जो हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स परफॉर्म करते हैं।
तो वो अरेक्निड्स की बॉडी में अमीबॉइड सेल्स परफॉर्म करते हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो इनमें जो है वो कीमो मैकेनो रिसेप्टर्स भी हैं, कीमो रिसेप्टर्स भी हैं, ठीक है, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन से बनते हैं। इनको सेंसिला कहा जाता है कलेक्टिवली, ठीक है। फिर इनमें सीटी प्रेजेंट है, ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और फिर वाइब्रेशन के लिए भी इनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि कैप्चर कर सकें अपने प्रे को। फिर वन और मोर पेयर्स ऑफ आईज इनमें प्रेजेंट हैं ताकि लाइट इंटेंसिटी जो है उसको डिटेक्ट करें। और रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सब डायोशियस हैं, ठीक है। सेक्स सेपरेट होते हैं इनमें, पेयर्ड जेनिटल ओपनिंग्स हैं ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। फिर जो स्पर्म ट्रांसफर है वो इनडायरेक्ट है, और मेल्स के पास पेडीपेल्प इनका एक स्ट्रक्चर होता है दैट हैज बीन मॉडिफाइड टू ट्रांसफर द स्पर्म्स, ठीक है। पेडीपेल्प इनका एक स्ट्रक्चर है, ये मॉडिफाई हो चुका है फॉर ट्रांसफरिंग द स्पर्म्स, दिस वन। फिर डेवलपमेंट है वो इनमें डायरेक्ट होती है, बिल्कुल कोई लार्वल स्टेज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये हमारे पास सेकेंड क्लास थी, क्लास एरेक्निडा। अब हम देखेंगे क्लास एरेक्निडा की फर्दर क्लासिफिकेशन। इसको फर्दर फोर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर स्कॉर्पियोनिडा, इसमें स्कॉर्पियंस हैं हमारे पास। ऑर्डर एरेनी, इसमें स्पाइडर्स हैं। ऑर्डर ओपिलियंस, इसमें हार्वेस्टमैन है। एंड ऑर्डर एकेरिना, जिसकी एग्जाम्पल है टिक्स एंड माइट्स, ठीक है। तो वन बाय वन अब हम इन सब की डिटेल देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द ऑर्डर स्कॉर्पियोनिडा। ऑर्डर स्कॉर्पियोनिडा में स्कॉर्पियंस आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। इनमें क्या होता है, प्रोसोमा इज फ्यूज इन टू द कैरापेस। तो प्रोसोमा जो है वो फ्यूज होके कैरापेस लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। एंड कैलिस्ट्री इनमें स्मॉल है, जैसे हमें डायग्राम में नजर आ रहा है, छोटे छोटे हैं बिल्कुल। एक पेयर होता है लार्ज चीलेट पेडीपेल्प्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास पेडीपेल्प्स हैं इनके, और प्री एब्डोमेन एंड पोस्ट एब्डोमेन यानी टेल रीजन में डिवाइड हुआ हुआ है इनका ओपिस्थोमा। ओपिस्थोमा जो है ये दो रीजन में डिवाइडेड है। ओके, एट द टिप ऑफ द पोस्ट एब्डोमेन, ये जो पोस्ट एब्डोमेन है इसकी टिप के ऊपर एक स्टिंग भी होता है, यानी ताकि ये जो है जहर जो पॉइजन है उसको इंजेक्ट कर सके। मोस्टली ओवीपैरस हैं, लेकिन कुछ स्कॉर्पियंस जो है वो ओवो विवीपैरस भी होते हैं और कुछ विवीपैरस भी हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड ऑर्डर एरानी, जिसमें स्पाइडर्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम इनको देखें, इनकी टोटल 34,000 स्पीशीज हैं स्पाइडर्स की, ठीक है। और इनके बॉडी के कुछ फीचर्स के, इनमें जो है वो पॉइजन के लिए, पॉइजन को किसी प्रे की बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए इनके पास फैंग लाइक कैलिस्ट्री प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर जो है वो डॉर्सल एंटीरियर मार्जिन ऑफ द कैरापेस, इसमें 6 to 8 आईज प्रेजेंट है इनके पास। और एब्डोमन इज स्वेलन, इसमें 6 to 8 कॉनिकल प्रोजेक्शंस हैं जिनको स्पिनरेट्स कहा जाता है। तो एब्डोमन कॉनिकल है और ये उसके स्पिनरेट्स हैं, ठीक है। ओके, एंड स्पिनरेट्स आर एसोसिएटेड विद द सिल्क ग्लैंड्स, और इन स्पिनरेट्स का जो कनेक्शन होता है वो सिल्क ग्लैंड्स के साथ होता है। स्पाइडर सिल्क जो है एक प्रोटीन है, और सिल्क इज सिक्रेटेड एज अ फ्लूइड। फिर जब इसका एयर के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो सिल्क हार्ड हो जाती है। फिर कुछ अदर कंपाउंड्स भी हैं जैसे कि पायरोलिडीन, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो ये सब जो है वो सिल्क की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो सिल्क ग्लैंड, स्पाइडर्स में सिल्क ग्लैंड हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द स्पिनरेट्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि कुछ जो है वो इन एडिशन टू द फॉर्मिंग वेब्स फॉर कैप्चरिंग प्रे, सिल्क इज यूज टू लाइन द रिट्रीट और ले अ सेफ्टी लाइन एंड रैप एग्स इन टू द केस, ठीक है। तो अगर हम स्पाइडर्स को देखें तो इनमें स्पाइडर्स अपना जो सिल्क है, जो सिल्क है इसकी, वो यूज करते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए। उसके साथ साथ कुछ इनके और फंक्शंस भी हैं, एग्स के अराउंड रैप करना ताकि उनको सेफ्टी मिले, ठीक है, सेफ्टी लाइन बनाना अपनी टेरिटरी के अराउंड। दे पंक्चर द प्रेज बॉडी वॉल एंड इंजेक्ट द एंजाइम्स, देन सक द प्री डाइजेस्टेड प्रे प्रोडक्ट्स इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो प्रे की बॉडी होती है इसको पंक्चर करते हैं और उसके डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। मोस्टली ह्यूमंस को इनसे कोई नुकसान नहीं होता, और फीमेल जो है वो एक वक्त में 3,000 eggs तक ले करती है। और किसमें ले करती है, एक सिल्क लाइक पाउच होता है जिसमें, यानी इनकी जो इनका जो सिल्क ग्लैंड है वो सिल्क लाइक पाउच बना देते हैं, उसमें ये रिलीज करती है अपने एग्स को।
नाउ द ऑर्डर ओपिलियंस, इसमें एग्जाम्पल है जी लेडी हार्वेस्टमैन और डैडी लॉन्ग लेग्स. ओके, सो द ऑर्डर ओपिलियंस हार्वेस्टमैन और डैडी लॉन्ग लेग्स, इसको नाम दिया गया है डैडी लॉन्ग लेग्स. ठीक है, यानी इसकी अपनी बॉडी बहुत छोटी होती है लेकिन इसकी जो लेग्स हैं वो बहुत इलोंगेटेड हैं. तो लेग्स आर वेरी लॉन्ग एंड सिलेंडर, बहुत पतली होती हैं. जो हार्वेस्टमैन है ये ओमनीवर्स है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीडिंग करते हैं. ठीक है, और कुछ प्रीडेटर्स भी हैं. एंड डाइजेस्टन इनमें बहुत एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकती है. स्पर्म ट्रांसफर डायरेक्ट है. फीमेल्स में जो है वो ओपीपोजिटर, ट्यूब्यूलर ओविपोजिटर होता है. ठीक है, एंड फीमेल डिपॉजिट द हंड्रेड ऑफ एग्स इन द डैम्प लोकेशन. नाउ द ऑर्डर एकेरिना, इसमें टिक्स और माइट्स आती हैं हमारे पास. तो पहले हम देखेंगे माइट्स को. मैनी जो हमारे पास माइट्स हैं एक्टोपेरासाइट का काम करती हैं. ठीक है, एक्टोपेरासाइट्स के तौर पे ह्यूमंस या डोमेस्टिक एनिमल्स की बॉडी के ऊपर रहती हैं. एंड इनमें जो है वो बॉडी का इंटीरियर एक पोर्शन होता है, जिस एक प्रोजेक्शन है, एक स्ट्रक्चर है जिसको कैपिटलम कहा जाता है. ठीक है, फोर पेयर्स ऑफ लेग्स हैं इनके पास. हर्बीवोर्स या स्कैवेंजर्स हैं. ठीक है, और जो हर्बीवोर्स हैं ये एग्रीकल्चरल प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगी. जो स्केवेंजर्स हैं वो जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फिर हे चीज एनिमल फर इन सब को नुकसान पहुंचाती हैं. पैरासिटिक हैं. ठीक है, और जो है ये परमानेंटली अटैच नहीं रहती हैं अपने होस्ट के साथ. एंड एक हमारे पास यहाँ पे माइट है चिगर और रेड बग. सो इज अ पैरासाइट ड्यूरिंग वन ऑफ इट्स लार्वल स्टेजेस. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिगर और रेड बग का जो लार्वा है वो अपना कुछ वक्त एज अ पैरासाइट गुजारता है. फिर अ फ्यू माइट्स आर परमानेंट एक्टोपैरासाइट्स. तो ये हमारे पास ऑर्डर एकेरिना और माइट्स के बारे में था. ठीक है, कि इनमें फोर पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटुलम है. कुछ अदर पैरासिटिक माइट्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि फोलिकल माइट्स एंड द इच माइट्स. ठीक है, तो इनकी वजह से है वो डिफरेंट जब भी होस्ट की बॉडी पे सरवाइव करती हैं तो इचिंग वगैरह होती है बॉडी में. नाउ द ऑर्डर एकेरिना में हमारे पास एक सेकेंड एग्जाम्पल है अमेरिकन डॉग टिक. ठीक है, टिक्स की एग्जाम्पल है, ये भी एक्टोपेरासाइट्स हैं ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ हिस्ट्री. ये अपनी जिंदगी जो है पूरी एक्टोपेरासाइट के तौर पर ही गुजारती हैं और जो होस्ट है उसके ब्लड के ऊपर फीडिंग करती हैं. ठीक है, पॉपुलेशन होती है इनमें और फीमेल जो है वो फिर एग्स को ले करती है. इनमें सिक्स भ्रूण एग्स में से सिक्स लेग्ड इमेच्योर लार्वा रिलीज होता है जिसको हम सीड टिक्स कहते हैं. ठीक है, सिक्स लेग्ड इमेच्योर्स को हम कहते हैं सीड टिक्स. एंड इमेच्योर्स जो है वो होस्ट के ब्लड के ऊपर फीडिंग करेंगे, फिर जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं ग्राउंड में जहाँ उनकी मोल्टिंग होती है, वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, टिक्स जो है वो डिफरेंट तरह की डिजीजेस कॉज करती हैं. जैसे हमने देखा जो हमारे पास पहले प्रीवियस हैं उनका कोई नुकसान नहीं होता ह्यूमंस को, लेकिन टिक्स का नुकसान होता है ह्यूमंस को और डोमेस्टिक एनिमल्स को. एक हमारे पास यहाँ पे टिक है जी डर्मा सेंटर एंडरसोनी. इट ट्रांसमिट्स अ बैक्टीरिया दैट कॉज द रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीमर टूलारेमिया. ठीक है, तो ये एक टिक है जो एक बैक्टीरिया ट्रांसमिट करती है अपने होस्ट की बॉडी में, जिसकी वजह से इसको रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हो जाता है. उस फीवर का नाम है टुलारेमिया. देन एक और है हमारे पास इक्सोरिस स्कैपुलैरिस. ये ट्रांसमिट करता है एक बैक्टीरिया को दैट कॉज द लाइम डिजीज. तो ये स्पेसिफिक टिक्स, ठीक है, उनके साइंटिफिक नेम अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव डिजीजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ थर्ड क्लास पिकनोगोनिडा. पहले हमने मीरोस्टोमेटा क्लास देखी, उसकी सब क्लासेस. ठीक है, फिर उनके ऑर्डर्स, देन हमने बात की अरेक्निडा की, उनकी जो है वो क्लास सब क्लासेस और ऑर्डर्स देखे. अब क्लास पिकनोगोनिडा है हमारे पास. ठीक है, तो क्लास पिकनोगोनिडा में सी स्पाइडर्स हैं. ठीक है, और सी स्पाइडर्स जो हैं ये नाइडेरियन पॉलिप्स और एक्टोप्रॉक्ट्स के ऊपर फीडिंग करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, एंड कुछ जो हैं वो सी स्पाइडर्स अपने जो होस्ट है, जो प्रे है, उसकी बॉडी से सकिंग करते हैं और कुछ जो है वो टीयर यानी चीर फाड़ कर देते हैं बिल्कुल अपने प्रे की. एंड इनमें जो फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडिजेस है उनको हम कैलीफोर्स कहते हैं. शिश हैं ये. ठीक है, इनके जो गोनेट्स हैं वो यू शेप्ड हैं. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है. ठीक है, और फिर इनमें जो है वो स्फेरिकल मैसेज ऑफ द एग्स आर अटैच्ड टू अ पेयर ऑफ अपेंडेजेस ऑफ मेल, जिसको हम ओविजर्स कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मेल
के पास एक पेयर ऑफ अपेंडेजेस है जिसके साथ एग्स अटैच होते हैं फीमेल की बॉडी के, तो इनको हम ओविडर्स कहते हैं। सबमेराइन है और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड सब फाइलम क्रस्टेशिया। एंड सब फाइलम क्रस्टेशिया को अगर हम देखें तो ये सब एक्वेटिक हैं, इनमें क्रैब्स और आइसोपोड्स एग्जाम्पल्स हैं। बॉडीज है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और बॉडी के ऊपर कैरापेस की कवरिंग भी होती है, ठीक है। एंड देन इनमें जो है वो बॉडी सेगमेंट में, हर बॉडी सेगमेंट में एक पेयर होता है वायरेमस अपेंडेजेस का। तो हमारे पास तो फर्स्ट सब फाइलम था मेलाकोस्ट्रेका, एंड देन दिस वन, इनमें सब फाइलम क्रस्टेशिया, इन दोनों में वायरेमस अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं। टू पेयर्स ऑफ एंटीना है इनके पास, ठीक है, और कंपाउंड आईज भी प्रेजेंट है। टू पेयर्स ऑफ एंटीना हम डायग्राम में भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और कंपाउंड आईज भी हैं। नाउ द क्लासेस ऑफ द क्रस्टेशियंस इंक्लूड द क्लास मेलाकोस्ट्रेका, द क्लास ब्रैकियोपोडा एंड द क्लास मैक्सिलोपोडा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास मेलाकोस्ट्रेका, क्लास मेलाकोस्ट्रेका जो है इनमें टोटल 8 थोरेसिक और 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं, ठीक है, और एक पेयर ऑफ अपेंडेजेस इनके पास प्रेजेंट है। ये इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इनको फोर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, इकापोडा, यूफेसिका एंड आइसोपोडा एंड एम्फीपोडा। वन बाय वन हम इनकी डिटेल देखेंगे। ऑर्डर डेकापोडा में एग्जाम्पल्स हैं श्रिम्स, प्रॉन्स, क्रॉब्स, लॉबस्टर्स एंड क्रेफिश। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर डेकापोडा में ये लार्जेस्ट ऑर्डर है क्रस्टेशियंस का, ठीक है, और इनमें एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि श्रिम्स और प्रॉन्स, एंड कुछ क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड क्रेफिश, ठीक है। लेकिन इन सब में फाइव पेयर्स हैं वॉकिंग लेग्स की, फाइव पेयर्स ऑफ द वॉकिंग लेग्स हैं इनके पास। एंड कैरापेस इज फ्यूज्ड विद द थोरेक्स रीजन टू फॉर्म द सोफेलो थोरेक्स। इसके अलावा स्विमिंग फॉर्म्स में जो है वो कुछ स्विमिंग अपेंडेजेस भी होते हैं जिनको प्लियोपॉड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्लियोपॉड्स हैं वो इनके स्विमिंग अपेंडेजेस हैं, स्विमिंग के लिए यूज करते हैं। एंड फिर इनमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द क्रेफिश एम्ब्रियो इज डायरेक्ट विद यंग हैचिंग एज मिनिएचर एडल्ट। तो क्रेफिश में जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है मिनिएचर एडल्ट के तौर पे। और कुछ जो क्रस्टेशियंस हैं उनमें प्लैंक्टोनिक फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है जिसको नॉप्लियस कहा जाता है, ठीक है। और नॉप्लियस जो है वो डेवलप हो जाता है मिनिएचर एडल्ट में। फिर क्रैब्स और उनके जो रिलेटिव्स हैं यानी क्रैब लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें एक सेकेंड लार्वल स्टेज भी होती है जिसको सुई कहा जाता है। When all the adult features are present except the sexual maturity, the immature is called the post larva. ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमने देख लिया जी। यहाँ पे लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्रस्टेशियंस के जो लार्वा हैं उनको नॉपियस कहा जाता है, ठीक है। क्रेफिश में जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है टू मिनिएचर एडल्ट, और क्रैब्स में एक एक्सेप्शन है कि इनमें एक सेकेंड लार्वल स्टेज बनती है जिसको जुई कहा जाता है। और अगर मुकम्मल तौर पे तमाम फीचर्स बन चुके हो लेकिन सेक्सुअली मेच्योर ना हुआ हो लार्वा, तो इसको हम पोस्ट लार्वा कहते हैं। क्रैब, ओके, नाउ लॉबस्टर एंड द श्रिम्प, तो ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे पास। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑर्डर यूफासिका, इसमें क्रिल की एग्जांपल है जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मेंबर है एंड क्रिल सर्व एज फूड फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। नाउ द ऑर्डर आइसोपोडा, इसमें पिल बग्स आती हैं, ठीक है। ऑर्डर आइसोपोडा में अगर हम देखें तो पिल बग्स की जो बॉडी होती है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, ठीक है, एक्वेटिक है, कुछ टेरिस्ट्रियल भी हैं। नाउ द ऑर्डर एम्फीपोडा, इसमें बीच होपर की एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, ये भी बीच होपर है। इनकी बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड होती है, ये क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्पीशीज जो हैं ये मॉडिफाइड हैं फॉर बुरोइंग, क्लिम्बिंग, जंपिंग इन सब कामों के लिए। तो ये एक बीच होपर की एग्जाम्पल है हमारे पास। नाउ द सेकेंड क्लास इज ब्रैंकियोपोडा। ब्रैंकियोपोडा जो है इसमें मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रेश वाटर हैं। इनकी बॉडी में फ्लैटेंड लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, और यही अपेंडेजेस हैं वो इनकी रेस्पिरेशन, फीडिंग और लोकोमोशन में यूज होंगे। इनको फर्दर दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, एनोस्ट्रेका एंड क्लेडोसिरा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर एनोस्ट्रेका को हम देखेंगे जिसमें एग्जाम्पल है फेरी श्रिम्प एंड ब्राइन श्रिम्प की, ठीक है। तो फेरी श्रिम्प और ब्राइन श्रिम्प
फेरी श्रिम्प जो है वो टेम्परेरी पॉन्ड्स में सर्वाइव करती है, एंड इनमें जो है वो व्हेन द पॉन्ड फिल्स अगेन द एम्ब्रियोज हैच इनटू द नॉपियस लार्वा. इनके लार्वा का नेम है. ब्राइन श्रिम्प्स जो है वो सॉल्ट लेक्स में और पॉन्ड्स में पाई जाती हैं, ठीक है, ये भी एम्ब्रियोज बनाती हैं. नाउ द ऑर्डर क्लेडोसिरा, इसमें एग्जाम्पल है वाटर फ्लीज की, जिसको हम डेफनिया भी कहते हैं. तो मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर क्लेडोसिरा आर द वाटर फ्लीज, ठीक है. इनमें फीमेल्स जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं पार्थिनोजेनेटिकली, एंड एक पेयर होता है इनमें ब्रांच्ड एंटीना का, ठीक है, और एज वेल एज इनमें एक सिंगल मीडियन आई है. फाइव पेयर्स ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस हैं. नाउ द क्लास मैक्सिलोपोडा, सो क्लास मैक्सिलोपोडा में क्या होता है, फाइव सिफेलिक, सिक्स थोरेसिक एंड फोर एब्डोमिनल सेगमेंट्स जो है ये इकट्ठे होके प्लस टेट्स हैं, ठीक है. तो इनकी बॉडी शॉर्ट होती है, उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. फाइव सिफेलिक सेगमेंट्स हैं, सिक्स थोरेसिक सेगमेंट्स हैं, फोर एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं, और लास्ट पे एक टेल्सन रीजन होता है जो अनसेगमेंटेड रीजन है, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं डायग्राम में. फिर इनमें जो है वो टिपिकल अपेंडेजेस, मोस्टली इनमें जो एब्डोमन होता है ना इनका, उसके अराउंड कोई स्पेसिफिक अपेंडेजेस वगैरह प्रेजेंट नहीं होते. इनको फर्दर टू सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कॉपोडा एंड द सब क्लास थिकोस्ट्रेका. इसके एक इंफ्रा क्लास है सीरीपीडिया. इनको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसकी सब क्लास कोपोडा को देखते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है साइक्लॉप्स, ठीक है. तो ये मेराइन भी हैं और फ्रेश वाटर भी हैं. इनमें फर्स्ट जो एंटीना होता है इनकी बॉडी का, ये स्विमिंग के लिए मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है. फर्स्ट एंटीना इज मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग. बिल्कुल आपको जो है वो कश्ती का जिस तरह से चापू होता है, उस तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं. तो ये इनके फर्स्ट एंटीना है जो स्विमिंग अपेंडेजेस में मॉडिफाई हो चुके हैं, ठीक है. और ये एक साइक्लोप की एग्जाम्पल है हमारे पास. नाउ दी सब क्लास थीकोस्ट्रेका, ये सेकेंड क्लास है. इसकी एक इंफ्रा क्लास है सीरीपीडिया, जिसमें एग्जाम्पल्स हैं बारनेकल्स की, तो हम उनको देखेंगे. यहाँ पे दिस वन इज अ बारनेकल एंड ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, ठीक है. मोनोएशियस हैं विद इन वन बॉडी, इनमें दोनों तरह के सेक्सेस होंगे. फिर इनमें प्लांकटोनिक लार्वा है नाउप्लियस, और इसी लार्वा से इनमें एक सेकेंड स्टेज लार्वा बनता है जिसको साइप्रस लार्वा कहते हैं, ठीक है. इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सेकेंड लार्वा है, ये आपने ज़हन में रखना है कि सीरीपीडिया में एक सेकेंड लार्वा स्टेज है जिसको हम साइप्रस लार्वा कहते हैं. ओके, इट गेट्स अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट बाय द फर्स्ट एंटीना, और फिर इसकी मेटामॉर्फोसिस हो जाती है एडल्ट्स में. एंड ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस इनका एब्डोमेन जो है वो छोटा हो जाता है, और गट ट्रैक्ट जो है वो यू शेप्ड बन जाती है, ठीक है. फिर इनमें क्या होता है, कैल्केरियस प्लेट्स कवर द लार्वल कैरापेस इन एडल्ट स्टेज. तो लार्वल कैरापेस भी इनमें प्रेजेंट होता है, जिसमें कैल्केरियस प्लेट्स होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई प्लेट्स हैं. सम बार्नेकल्स अटैच बाय अ स्टॉक एंड अदर्स जो है वो नॉन स्टॉक्ड है, यानी वो अटैच नहीं होते किसी चीज के साथ. उनको एकॉर्न बार्नेकल्स कहा जाता है, ठीक है. ये कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे पास बारनेकल का. पैनिस, उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ओविडक्ट है, टेस्टिस हैं, क्योंकि ये मोनोएशियस हैं तो एक ही बॉडी में दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है. और ये ओवरीज हैं हमारे पास, ये इसकी बॉडी का फर्स्ट एंटीना है. सो वी हैव डन विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उनकी क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विद द क्लासिफिकेशन वी स्टडीड अबाउट द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ ईच क्लास, ठीक है. तीन सब फाइलम्स हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, और दो लास्ट दो सब फाइलम्स हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर हैविंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन इज इन क्रस्टेशियंस प्रोक्यूटिकल इज आल्सो इम्प्रेगनेटेड विद द कैल्शियम सॉल्ट्स. नंबर टू इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज नॉट बिलोंग टू द क्लास एरेक्निडा, सो दैट इज हॉर्स शू क्रैब. नंबर थ्री द आउटर मोस्ट वैक्सी लेयर ऑफ द आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन इज एपिक्यूटिकल. नंबर फोर हार्वेस्टमैन और डेडी लॉन्ग लेग्स आर मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर ओपिलियंस. नंबर फाइव द क्रस्टेशियंस आर द ओनली आर्थ्रोपोड्स विद टू पेयर्स ऑफ एंटीना. नंबर सिक्स टिक्स एंड माइट्स आर द मेंबर्स ऑफ द क्लास एरेक्निडा. नंबर सेवन द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द एरेक्निड्स इज यूरिक एसिड. नंबर एट विच ऑफ दीज इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ क्रस्टेशियंस, सो इट्स द मेलाकोस्ट्रेका. नंबर नाइन दिस इज द मेंबर ऑफ द क्लास ब्रेकियोपोडा, सो दीज आर फेयरी श्रिम्स. ओके, देन नंबर टेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द एरेक्निड्स दैट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड सैक्स ओपनिंग टू द बॉडी सरफेस.
or near the base of the posterior appendages. So these are known as the coccal glands. Okay? Number 11, many zoologists believe that arthropod is not only one phylum, it includes the five subphylums. Number 12, all members of this subphylum are extinct. Trilobitomorpha जो है, trilobites, ये सब इनके जो members हैं extinct हो चुके हैं. Number 13, which are the major aspects of the arthropod biology that have contributed to their success? So all of these. They're having exoskeleton, they are going to metamorphose, they are showing the metamerism. Number 14, Limulus belongs to the subphylum Calycereta. ठीक है, horse shoe crab जिसको हम कहते हैं. Number 15, the class of the horse shoe crab is the Myristomata. ठीक है. Number 16, which of the following class have only one species and have body consisting of 30 segments? So this is Ramipedia. Number 17, crabs and the relatives develop a second larva, that is sui. Number 18, the telson and uropods in crayfish make an effective flipper-like structure used in the swimming and escape response. Number 19, arachnid blood contains the dissolved respiratory pigment hemocyanin. Number 20, most arachnids are carnivores. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे 2001 से 2022 तक के जो पीपीएससी जूलॉजी के पास पेपर में क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू द आर्थ्रोपोड, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज इंसेक्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स. ये क्वेश्चन जो है इट्स बीन आस्क्ड इन 2001. नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपोड्स आर टोटली एक्वेटिक. सो द टोटली एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, इनमें से जो है वो हमारे पास कोई भी नहीं है. ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2001. नंबर थ्री, इंसेक्ट्स हैव अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट. एक्वेटिक एनवायरमेंट में भी रहना जो है वो एक इनकी एक अडेप्टेशन है, और ये स्विमिंग भी करते हैं. ये क्वेश्चन जो है वो 2003 में पूछा गया है. नंबर फोर, अ हाउस फ्लाई हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ लेग्स. सो सिक्स, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन 2003, इन 2006. नंबर फाइव, हाउ मेनी पेयर लेग्स आर प्रेजेंट इन एरेकनिड्स. तो दे आर हैविंग फोर पेयर्स ऑफ लेग्स, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2004. नंबर सिक्स, इंसेक्ट माउथ पार्ट्स आर सीरियली होमोलोगस लेग्स. ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2004. नंबर सेवन, सर्कुलेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट्स इज ओपन टाइप. This question is being asked in 2005 and 6. Number 8, silk is produced by the silk worm larva. Okay, and this question is asked in 2005. Number 9, spiders are arachnids and they have legs, 8 legs. Okay, and this question is being asked in 2005. Number 10, telson is present in arthropods. Okay, and this question has been asked in 2006. Number 11, wasps bite using the proboscis. And this question is being asked in 2006 as well. Number 12, in turtles, the dorsal plate is known as the carapace. Okay. Number 13, the arrangement of the organs in animal in a series of similar units along the longitudinal axis of body is known as metamerism. And this question is being asked in 2007. Number 14, hormone which control the molting in insects is cytidine, and this question has been asked in 2007. Number 15, cockroach is dissected from the side, it's the ventral side, okay, and this question is asked in 2007. Number 16, silverfish is included in the arthropoda. Silverfish is not a fish, it's an insect, okay, and this question has been asked in 2010. Number 17, sound in insect is produced through the wing beating. And this question has been asked in 2010. Number 18, the skeleton in insects is the exoskeleton. Number 19, true metameric segmentation is the characteristic of none of these. Okay. And this question has been in both B and C. जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास B एंड C है. एनिलिड्स में और आर्थ्रोपोड्स में जो है दोनों में ही मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, एंड दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड इन 2010. नंबर 20, स्कॉर्पियन इज इंक्लूडेड इन द एरेक्निडा. ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड इन 2010. नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट क्लोजली एसोसिएटेड विद ब्लड सप्लाई. सो द ट्रैकियल सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज नॉट क्लोजली एसोसिएटेड विद ब्लड सप्लाई.
This question has been asked in 2011. Number 22, subphylum Crustacea have more members in the class Melacostraca. And this question has been asked in 2017. Number 23, body segments of the insects are the head, thorax, and abdomen. Okay. And this question has been asked in 2017. Number 24, house fly scientific name is Musca domestica. And this question has been asked in 2017. Number 25, in arthropods, heart is present on the dorsal side. Okay. And this question has been asked in 2020. So we have done with the gender characteristics, classification, form and function of the arthropods. हमने जो है वो यहाँ पे तीन सब फाइलम डिटेल में स्टडी किए हैं और एक सब फाइलम को जो है वो हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द प्री मेडिकल स्टूडेंट्स. दे वॉन्ट टू गेट और सिक्योर एडमिशन इन एनी मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी अलाइड हेल्थ साइंसेस की कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं एंड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर देयर टेस्ट, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल. एज वेल एज जो कैंडिडेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब अटेन करना चाहते हैं थ्रू PPSC, FPSC, KPPSC, सो दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा. एंड इसमें जो है वो समराइज कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से. यू नीड टू फोकस ऑन द सब फाइलम्स, फिर उन सब फाइलम्स की जो क्लासेस हैं, क्लासेस की एग्जांपल्स को भी जनरली आपने देखना है, ठीक है, और फिर क्लासेस के साथ उनकी सब क्लासेस और फिर ऑर्डर्स. हर ऑर्डर में जो एग्जाम्पल आ रही है आर्थ्रोपोड की, यू नीड टू फोकस एंड मेमोराइज दैट एग्जाम्पल. एज वेल एज बहुत से जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने चीजें देखी हैं, मेटामॉर्फोसिस है, एटमेरिज्म, टैग्मेटाइजेशन है, एक्सोस्केलेटन है, एक्डाइसिस है, ये सब पॉइंट्स भी वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज, कुछ न्यू इसमें पॉइंट्स थे हमारे पास, ठीक है. बहुत से स्ट्रक्चर के लिहाज से बुक लंग्स हैं एज वेल एज टेल्सन है, तो इस तरह के जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कमिंग एग्जाम्स. ओके, सो इंशाल्लाह विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.